अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को, मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया शुक्रिया। भाई आज के टॉपिक पे मुझे ये बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल से मुझे बहुत से मैसेजेस आए और बहुत से जो मेरे चाहने वाले हैं उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मेरी हर किसी पर भरोसा नहीं किया करो, तुम्हें हर दफ़ा जो है ना ठोकर मिली है, हर दफ़ा तुम मुँह के बल गिरी हो, लेकिन फिर भी तुम जो है हमेशा हर किसी पर भरोसा कर लेती हो। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए और आप लोगों को क्लियर करना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ। तो ये हकीकत है कि कुछ औरतों की वजह से जो है ना हमारा बहुत सी औरतों पे से भरोसा ख़त्म हो गया है, और कुछ औरतों ने जो है ना हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया है। अच्छा मैं बता दूं, ये वाली जो वीडियो है ये, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इसकी फुल रेसिपी आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आज मुझे क्योंकि आप लोगों को अपनी बात करनी थी, इस वजह से मैं इस वीडियो का सहारा ले रही हूँ। जैसे मेरी पुरानी सहेलियाँ जानती हैं कि मैं कैमरे के सामने नहीं आती, तो अगर मुझे कोई अपनी बात शेयर करनी हो तो मैं या तो अपने ब्लॉग के साथ करती हूँ या फिर मैं इस तरह की कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लें। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर करना चाहूँगी सबसे पहले तो फरहान गुड़िया के ऊपर बात कि क्या वो लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। तो मैं बता दूँ कि जब मुझे फ़र्स्ट टाइम गुड़िया ने ये सारी बातें बताई थी तो मुझे भी यकीन नहीं आया था, और मैंने उसको कहा था कि यार प्लीज़ तुम एक दफ़ा है ना कसम खा के बता दो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा। फरहान भाई बहुत ही सीधे और बहुत ही शरीफ इंसान लगते हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं मुझे यकीन नहीं आ पा रहा। तो गुड़िया ने मुझे कसम खा के बताया, और उन्होंने एक एक बात जब मुझे बताई तो मुझे फुल उनकी शुरू से लेकर आखिर तक जब पूरी बात पता चल गई कि ये सब कुछ कैसे और क्यों और कहाँ हुआ है, तो फिर मुझे यकीन आ गया कि हाँ ये सच बोल रही हैं। और मैं चाहूँगी कि ये गुड़िया सारी बातें खुद ही आप लोगों से शेयर करें, मैं नहीं करना चाहती। किसी की पर्सनल बात मैं क्यों शेयर करूं? अगर देखिए, अगर मैंने सितारा की पर्सनल कोई भी बात शेयर की तो वो, जबकि जब सितारा ने खुद अपने हस्बैंड की सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी थी, ठीक है, अगर कोई औरत अपने घर की पूरी डिटेल आपके सामने रख रही है तो आप उसके ऊपर अपनी राय कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने खुद ने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं की किसी के साथ, तो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं उनकी कोई बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है। बस मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि गुड़िया की बातों पे मुझे यकीन आ गया। दूसरा ये कि हम लोगों को क्यों यकीन नहीं आ पा रहा लोगों पर, औरतों पर, तो उसकी वजह कुछ औरतें हैं जिनको मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ी सी शर्म कर लो। सबसे पहले नंबर पर तो भाई टॉप ऑफ द लिस्ट हैं आयशा, जिसका नाम ऐसा है ना, मेरा दिल नहीं चाहता। मैं जब भी कोई बात करती हूँ, हमारे घर में भी कोई बात हो रही होती है ना, तो मैं बोलती हूँ यार प्लीज़ उसका नाम मत लिया करो, उसको ये कहा करो टिकटॉकर है ना, टिकटॉकर, वो टिकटॉकर। बस मैं जो है आपको नाम, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने नाम ले दिया। वो जो टिकटॉकर है ना, उन्होंने हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, पूरा प्री प्लान करके जो सब कुछ किया, औरत की धज्जियाँ उड़ा दी, और हमारे मुल्क को तो बदनाम किया ही किया, अपने मज़हब को भी किया, अपनी इज्जत भी उसने ख़राब करवा दी। तो ऐसी औरतों की वजह से जो ना बहुत से लोगों के ऊपर से भरोसा ख़त्म हो गया, और सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाई जा रही हैं जिसकी वजह से ना दिल ख़राब होता जा रहा है, और दिल नहीं चाह रहा कि हम यहाँ पर काम करें या फिर हम अपनी डेली रूटीन, जो हम डेली व्लॉग्स अपलोड किया करते हैं वो करें। अच्छा मेरे साथ क्या इशू है कि मैं बहुत जल्दी लोगों की तकलीफ़ के अंदर, लोगों की बातों के अंदर आ जाती हूँ, तो वो बात मैं शेयर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं कोई बात नहीं, उसका मामला नहीं है, उसका मसला नहीं है। दूसरा ये कि एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसकी वजह से मैं अपने आप को जो है ना इतने हफ्ते भर से जो है ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी और मैं बहुत तकलीफ़ में थी। अच्छा उसका रीज़न क्या था कि आप लोगों ने देखा होगा स्वीटी की जो लास्ट वीक जो भी बातें चली और जो भी कुछ हुआ उसके चैनल पर। अच्छा मसला क्या है, स्वीटी को जो बात कहनी होती है वो सामने कैमरे के सामने आके खड़ी खोटी जो भी उसकी बात होती है ना वो कह देती है, वो पोलाइट तरीके से, या फिर जो है एक होता है ना कि रो धो के, या फिर इस तरह करके अपनी बात नहीं सामने रखती, तो शायद उसको लोगों ने बहुत ही नेगेटिव ले लिया और उसको काफ़ी बैड कमेंट्स किए। सॉरी मेरी गला ख़राब हो रहा है। अच्छा जी, ये सारा मामला जिन मैडम की वजह से हुआ था, उन्होंने जो है मुझे, मैं अपने अब्बू के घर पे थी, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा मैरिन जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं लाइव आ रही हूँ लास्ट टाइम, इसके बाद मैं कभी ज़िंदगी में ना तो यूट्यूब पे दिखूँगी ना कहीं दिखूँगी। और मैं इतना डर गई, क्योंकि वो बंदी रो रही थी और बेइंतहा रो रही थी फ़ोन पे, तो मैं डर गई और मैंने जल्दी से स्वीटी को कॉल मिलाई, और मैं नींदों में सूटी थी और मुझे बिल्कुल भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई हुई थी, और मैंने नींद की दो टैबलेट्स ली थी वो भी फजर में जाके, और मैं सिर्फ लेटी थी, आंखें बंद की थी, और उस बंदी की कॉल आ गई।
मुझे स्वीटी को मैंने कॉल की, मैंने स्वीटी को कहा, मैंने कहा यार वो पता नहीं क्या करने वाली है, वो कहीं खुदकुशी करेगी क्या करेगी, वो ऐसे आ रही है। तो स्वीटी ने कहा ये सारा ड्रामा है और तुम इसकी बातों में मत आओ। लेकिन मैं डर गई भाई, मैं उसके जो है मैंने देखा उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ। फिर मैंने जल्दी से मैं भागी, अपने भाई का दरवाज़ा बजाया, अपने भतीजे का मोबाइल लिया, उसके इंस्टाग्राम से जो है मैंने लाइव ज्वाइन की। वहाँ पर भाई उन्होंने रखा हुआ था सामने कुरान पाक, और जब कुरान पाक को मैंने देखा मेरा उसी वक्त दिल बंद हो गया। और मैंने स्क्रीन शॉट लेके और स्वीटी को सेंड किया और मैंने कहा यार ये कुरान पाक सामने रख के बात कर रही है। तो स्वीटी ने बोला कि यार ड्रामा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि स्वीटी चाहे एज में मुझसे कम हो लेकिन उसको समझ बहुत सी बातों की मुझसे ज़्यादा है। तो मैं फिर भी मैं उसकी सुनती रही लाइव। और उसने कहा मैं लास्ट टाइम आ रही हूँ, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगी। और वो इतना रो रही थी इतना कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही बड़ी कोई गुनाहगार हूँ और मैंने मुझसे पता नहीं क्या हो गया, मैंने इसका क्यों, मैंने तो नाम नहीं लिया था वैसे, जो भी लोगों ने किसी ने नाम लिया क्यों इसका लिया गया ये वो। और मैंने कहा मैं तो आज इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और इससे माफ़ियाँ मांगूंगी। और इसने कहा कि मैं रोज़े महशर वाले दिन जो है हज़रत फ़ातिमा का कहा था या जोहरा का कहा था कि उनकी चादर पकड़ के और रो के पूछूंगी कि मेरे साथ ऐसा दुनिया में क्यों। और पता नहीं उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लिए कि मेरा दिल जो है ना काम गया। और मैं जो है ना बहुत 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 डरती हूँ भाई कि कोई भी बद्दुआ या इस तरह की चीज़ों से मुझे बहुत खौफ आता है। तो मैं डर गई, मैंने कहा भाई अब तो गई मैं, महरीन भले तेरा कसूर हो ना हो, तूने चाहे सच्चे दिल से कुछ करा हो या तेरा इसमें कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम आ रहा है और कहीं ना कहीं उसने तुम्हें कहा है कि मुझे ज्वाइन करो तो तुम कसूरवार हो, तो तुम इसके ऊपर वीडियो डालो। अच्छा जी, क्योंकि उसने कहा कि आज के बाद मैं ज़िंदगी में कहीं आपको नहीं दिखूंगी, मतलब यूट्यूब छोड़ रही हूँ, फलाना छोड़ रही हूँ, ढिमकाना। मैंने कहा मैं तो इसके ऊपर वीडियो बना के डालूंगी। अच्छा उस दिन जो है मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई, मैं और ज़्यादा डर गई। और मेरे अब्बू जो है शादी में नहीं जा सके, निकाह में नहीं गए, और मैं फिर निकाह में जो है एक कोने में बैठी रही। मैंने ना किसी से बात की ना कुछ किया, और सब पूरा ख़ानदान जो था वो ये समझ रहा है कि मुझे कोई जो है लड़ाई हुई है कुछ हुआ। मैंने अपने वीडियो में सेकेंड वीडियो में बताया भी कि मेरे अब्बू की टेंशन थी और कुछ कपड़ों की वजह से मैं एक जगह बैठी रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे उसकी डिप्रेशन थी कि भाई वो अब पत्नी औरत क्या करने वाली। अच्छा जी क्या हुआ, मैंने दो तीन दिन खुद ही पता नहीं मेरे क्या हुआ मेरे से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। तीसरे दिन मैंने देखा वो बंदी ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी। मुझे इतना कोई गुस्सा आया ना, मैंने कहा यार बेवकूफ़ समझ के रखा है मुझे, मुझे कोई पागल की बच्ची समझा हुआ है कि तुम कुरान पाक को सामने रख के इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। पहले तो तुमने मुझे कॉल की है कि मुझे ज्वाइन करो, और उसके बाद तुमने मुझे ब्लॉक करा हुआ है, उसके बाद तुम जो कहानियाँ सुना रही हो। अच्छा उसने बातें बिल्कुल ठीक कही, उसने झूठ नहीं बोला कुरान पाक को सामने रख के, लेकिन उसने कहानियाँ बना के वो बातें की। मतलब अगर मैं आपको कह रही हूँ मुझे भूख लग रही है, ठीक है ये मेरा कहने का स्टाइल है कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है एक मैं कह रही हूँ मुझे भूख लग रही है, ये दूसरा स्टाइल क्या हो गया कि मैं पूछ रही हूँ आपसे। डायलॉग सेम है लेकिन दोनों चीज़ों में आप समझ रहे हैं ना कि मतलब दोनों के अलग अलग हो गए। उसने यही कहानी करी कि बातें उसने डायलॉग सेम रखे लेकिन उसने कहानियों को गोल तोल जो करके रखा ना, उससे तो भाई मेरा दिल हिल के रह गया। और मैंने कहा महरीन भाई तू तो जहन्नुमी कन्फर्म ही हो गई है। तो बस मैं यहाँ पर इसी वजह से कह रही हूँ कि कुछ औरतें जो है ना इस तरह की हरकतें कर रही हैं और दीन और मज़हब के सामने रखते हुए इस तरह की झूठ बोल रही हैं, जिनकी वजह से जो सच भी बोल रहा है ना उस पर यकीन नहीं आ रहा। तो बनाए मेहरबानी ये हरकतें मत करो, यूट्यूब पर काम करना है करो, वरना भाड़ में डालो। यूट्यूब से कुछ नहीं होगा, आखिरी जो है ना हमारा मकाम जन्नत या दोज़ख ही है, तो उसके बारे में सोचो। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों पे भी भरोसा कर लिया कि शायद वो सच बोल रही है, लेकिन ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और गुड़िया का मैं कहना चाहूँगी कि गुड़िया की काफ़ी पर्सनल बातें मुझे पता चली, जिसकी वजह से मुझे उन पे भरोसा है कि वो सच बोल रही है। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।